वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम वालेकुम। मैम। यार स्टेटस बड़े अच्छे लगा रहे हो आजकल। आप वैसे ही तो तुम बाप का लगाया भी तो ही नहीं है, हालात भी ऐसे ही है, समझ था। जी सकते मैम हैं टीचर बिल्कुल। भी। लास्ट वाले लेक्चर में से किसी को कुछ पूछना है क्लास? जो लास्ट पे ट्रांसफॉर्मेशंस की टाइप्स पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि फर्दर आगे जो आइसोमेट्रीज है वो इसी से रिलेटेड है। और सबसे पहले क्लास में आपको ये बता दूँ कि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स मैंने साइन किए हैं वो आपने ऐसा नहीं है कि वन बाय वन प्रिपेयर करनी है, आपने जस्ट जस्ट फ्राइडे को जो मैंने बोला है ग्रुप टू की, उन्होंने कमिंग जो फ्राइडे है उसमें देनी है प्रेजेंटेशन। उसके बाद जो है मंडे से मैं जिसको कहूंगी उसने प्रेजेंट करना है, इसलिए मंडे तक आप लोगों ने सबने अपनी असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेनी है। किसी को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैंने वर्क दे दिया तो आप नहीं करना। जो भी आप लोग टॉपिक मिला है उससे रिलेटेड 10 MCQs भी बनाओगे, ठीक है? और सेकेंडली आप लोगों को जो भी आसानी लगती है टॉपिक से रिलेटेड, जैसे अगर किसी को थ्योरम्स वगैरह दी है तो थ्योरम तो आप लोगों ने करने ही करने हैं। बाकी जिनको टॉपिक्स दिए हैं, जैसे आइसोमेट्रीज वाला मैंने दिया 6 टाइप वाला, 4 टाइप्स वाला मैं करवाऊंगी। 6 टाइप्स वाला 3 डायमेंशन वाला है, उसके अंदर 6 टाइप में मूव मोशन होती है। इसी तरह बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, आप उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरम या लेमा जो भी आप लोगों को बेटर लगे। लेकिन अगर आप लोगों को कोई थ्योरम दिया है मैंने, तो थ्योरम से रिलेटेड जो उसके लेमाज हैं या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। कोई सा भी मैंने दिया हुआ है जैसे आइसोमेट्रीज वाला है 6 टाइप वाला है, उसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप जिसको भी ग्रुप को मैंने दिया है आप पे डिपेंड करता है आप इसकी एप्लीकेशन ही सारी दें या आप इसकी एग्जाम्पल दे दें, लेकिन एप्लीकेशन एग्जाम्पल लाजमी देनी है, साथ में लेमाज वगैरह देना चाह रहे हैं तो वो भी ठीक है। और इस हिसाब से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने कि पूरा 1 घंटा जो है वो आप लोगों के पास हो, उसकी बेसिक जो भी उसका इंट्रो होगा, उसके अलावा जो भी टॉपिक से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी आप करोगे या एप्लीकेशन या लेमाज वगैरह, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम लोगों ने लास्ट पे भी की थी। ट्रांसफॉर्मेशन मीन होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव कर देना, मूव करना यानी कि उसको ट्रांसफर करना है। उसके आगे 4 टाइप थी हमारे पास, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और डायरेक्शन थी। उसके बाद मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं वो आइसोमेट्रीज हैं, पर जो 4 वाली टाइप है डायरेक्शन वाली वो आइसोमेट्रीज नहीं है, क्योंकि आइसोमेट्री के अंदर शेप वही रहती है, उसको किसी भी वे में आप मूव कर लें, बट डायलेशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल जो है वो टाइप है। इसके अंदर हमारे पास कन्वेक्स के तौर पे हमारे पास जो ओरिजिनल शेप है या तो वो मर्ज हो जाती है वो या वो जूम हो जाती है। जब हम इसे किसी भी पॉइंट के तौर पे सीक्वेंस के हिसाब से कन्वेक्स वे के तौर पे चेक करते हैं तो या तो वो मर्ज हो जाती है या वो जूम हो जाती है, दोनों टाइप में उसकी शेप मूव हो जाती है। लेकिन आइसोमेट्रीज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें शेप जो है वो ओरिजिनल ही रहती है, किसी भी वे में मूव कर सकती है, लाइन के अकॉर्डिंग करती है या रोटेट होती है। यहाँ पे सबसे पहले है ट्रांसलेशन, नीचे वर्ड्स भी दिए गए थे। ट्रांसलेशन का मतलब है हमारे पास के ट्रांसलेट होना, एक जगह से दूसरी जगह पे उसका मूव करना है। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का मतलब है टर्न करना, एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करना टर्न करने के फॉर्म में। उसके बाद था हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब था कि रिफ्लेक्ट होना, एक लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होना, फ्लिप होना इसको बोलते हैं, कि एक तरफ से वे जो है मूव करके दूसरी तरफ में हमने उसको ऑब्जेक्ट को चेंज किया है। रोटेशन में यहाँ पे जो रोटेशन दी गई है नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ था, रोटेशन इसमें एंगल वाइज और साइड वाइज दोनों तरह रोटेशन हो सकती है, एक पॉइंट वाइज और एक साइड वाइज रोटेशन है, दोनों टाइप में रोटेशन होती है। डायलेशन के अंदर था कि हमारे पास एक फिगर जो है उसको हम अगर किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कन्वेक्शन वे में देखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे तो सिर्फ कन्वेक्शन वे में डिनोट की हुई है, बट बेसिकली फिगर किस वे में छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ये सारा एक्सप्लेन मैं आइसोमेट्रीज के अंदर करूंगी। और उसके बाद इसकी जो 3 टाइप्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन की वो आइसोमेट्रीज ही हैं, बट जो 4 वाली टाइप है डायलेशन इज नॉट एन आइसोमेट्री, वो भी यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था।
बिकॉज द साइज ऑफ इमेज इज नॉट द सेम एज ऑफ दैट, साइज जो है वो सेम नहीं रहता, जिसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो हमारे पास सिमिलर नहीं रहती आइसोमेट्रीज के फॉर्म में. बाकी जो टाइप्स हैं वो आइसोमेट्रीज ही कहलाती हैं. आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो आइसोमेट्रीज है. मैंने दोबारा से पेजेस पेज पेज को मैंने मेंशन किया पूरा. ये फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से मैंने यहाँ पे टाइप की है. आगे मेंशन दोबारा से वही चीज कर दिया जो मैंने वर्ड के फॉर्म में भी मेंशन किया है कि डायलेशन जो है वो आइसोमेट्री नहीं है बिकॉज उसकी जो फिगर है वो अपने सेम रीजन ओरिजिनल वे में नहीं रहती, वो डिफरेंट हो जाती है, अपने साइज को मर्ज या जूम कर लेती है. बाकी तीनों टाइप्स हुई हैं. यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे आइसोमेट्रीज ऑफ प्लेन आर टू, प्लेन में है तो इट मीन के टू डायमेंशन में है. इसकी फोर टाइप्स हैं. एवरी आइसोमेट्री ऑफ आर टू इज वन ऑफ फोर टाइप्स. आर टू की जितनी भी आइसोमेट्रीज यहाँ पे डिफाइन है उसकी फोर टाइप्स हैं. कहता है रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन एंड नंबर फोर पे है ग्लाइड रिफ्लेक्शन. ग्लाइड रिफ्लेक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन है रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का. इसमें रिफ्लेक्ट होने का मतलब होता है कि एक लाइंस के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ, यानी कि एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में मूव कर जाना, लेकिन एक लाइन के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं होगा कि हम फर्स्ट एक्सिस में है तो हम जो है वो थर्ड एक्सिस में मूव नहीं कर सकते. फर्स्ट में है तो सेकंड में, सेकंड में फर्स्ट में है तो फोर्थ में. यानी कि अगर फर्स्ट में हमारी ऑब्जेक्ट है तो हम टू टाइप्स में मूव कर सकते हैं, दो लाइंस के अकॉर्डिंग. या तो हम मूव करेंगे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक्सिस ही मूव करते. ट्रांसलेशन में हमारे पास स्पीकर जो है वो ट्रांसलेट होती है एक ही एक्सिस के अंदर रहते हुए या एक ही प्लेन में रहते हुए ट्रांसलेट होती है सेम एज इट इज के वो आगे की तरफ मूव कर देती है या पीछे की तरफ मूव करती है. यानी कि पूरी की पूरी फिगर को हम उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं. अब ये आइसोमेट्रीज या प्लेन टू के अकॉर्डिंग इसमें हमने चीजों को खुद से उठाकर नहीं रखना या मूव नहीं करना. हम वर्क करते हैं पॉइंट वाइज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग टू. तो यहाँ पर वही वर्क हमारा है. लेकिन उससे पहले इनकी डेफिनेशन है आइसोमेट्रीज के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है. ग्लाइड रिफ्लेक्शन यहाँ पे डिफरेंट है. बाकी रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन जो है वो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली ही यहाँ पर डेफिनेशन है. उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए थोड़े डिफरेंट करके. ग्लाइड रिफ्लेक्शन है, ग्लाइड रिफ्लेक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ अ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन अक्रॉस द लाइन कंटेनिंग द ट्रांसलेशन लाइन सेगमेंट. दिस लाइन इज कॉल्ड द ग्लाइड एक्सिस. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज वाइज आ सकते हैं. होप सो अभी तक तो उम्मीद है कि आपका पेपर ऑनलाइन ही होगा तो इसको साथ साथ ही प्रिपेयर किया करें. अभी ग्लाइड रिफ्लेक्शन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन है ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन. अगर तो आपको ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन की समझ आ जाएगी तो फिर ही आप फिगर वाइज इसको रोटेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज रिफ्लेक्शन भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी. दोबारा से यहाँ पे इसकी वन बाय वन डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रांसलेशन जो है ओरिजिन हैज बीन ट्रांसलेटेड. इसमें पूरी की पूरी जो फिगर है वो ट्रांसलेट हो जाती है. बेसिकली मेरे पास ओरिजिनल ट्रांसलेशन की फॉर्म ये है कि ये फिगर यहाँ पे है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर दूँ. जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया है वो भी यही चीज थी कि ट्रांसलेट हो रही है. ये देखें, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और ये इमेज जो है इसका ये बन रहा है. यानी कि फिगर यहाँ पर थी पहले, इस पर जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है तो वो यहाँ पे चली गई. अब आइसोमेट्रीज भी रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ही, अब इस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की वे अप्लाई होगा तो वो इमेज हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी. इस वे में कि पूरा का पूरा इमेज जो है वो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट हो जाता है तो वो ट्रांसलेशन कहलाती है हमारे पास. उसके बाद आ जाता है रोटेशन. रोटेशन में मैंने पहले भी बताया कि एंगल वाइज और साइड वाइज दोनों टाइप्स में रोटेशन होती है. रोटेशन अबाउट सी एंड अल्फा. अल्फा यहाँ पे एंगल है और सी यहाँ पे कोई सी भी साइड ली हुई है, इज एन एंगल ऑफ अ रोटेशन. पहले शेप ओरिजिन के फॉर्म में ये, अब एंगल वाइज रोटेट होगी तो ये चल गई यहाँ पर. अब इसमें देखें ये एज इट इज ही यहाँ पे ब्लॉक नहीं बना, यानी कि स्क्वायर की वे नहीं बनी. अब ये देखें आपको ये चेंज हुई है, ये एक साइड जो है इस वे में, यानी कि ये साइड भी इसकी रोटेट हुई है. ये रोटेशन जो है ये स्क्वायर वाइज रोटेशन जो है, आगे स्क्वायर वाइज नहीं वो डायमंड वाइज कन्वर्ट हो गई है. उसके बाद में है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं किसी लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन आता है हमारे पास. यहाँ पे जो लाइन है इसको अल्फा नेम दिया, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन बोली जाएगी. जिस वे में यहाँ पर डिफाइन किया सेम वही है. यहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट चेंज कर लिया है. यहाँ पे ट्राइंगल थी वहां पे मैंने क्यूब ले स्केयर ले लिया. सॉरी, रिफ्लेक्शन जो है लाइन के अबाउट होगी, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है. जैसे आप अपने लैपटॉप को अगर टर्न कर देते हो इसी वे के अंदर, एक लाइन को यानी कि एक साइड को अगर
फिक्स करते हुए या पूरी एक एक्सिस को फिक्स करते हुए, तो एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में हमारी जो वे है वो मूव हो जाएगी फिगर। अब नेक्स्ट पे है ग्लाइड, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है कि चीज पूरी लाइन के अकॉर्डिंग रोटेट हुई, एक लाइन से यानी कि एक एक्सिस से दूसरे में कन्वर्ट हो गई, और हमारे पास जो ट्रांसलेशन थी उसमें क्या हुआ था, चीज उसी एक वे में रहती हुई, उसी एक्सिस में रहती हुई आगे की फर्दर मूव कर देगी। अब जो ग्लाइड रिफ्लेक्शन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखें पहले मेरे पास ओरिजिनल ये है, ठीक है, या आप कह लें कि आपके पास ओरिजिनल ये है। सबसे पहले आप अगर इस पर ट्रांसलेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ट्रांसलेट होके वो ये आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये लाइन इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगी। इन केस अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है क्लास कि ग्लाइड रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या चीज है। बाकी वही है तीनों, सिर्फ ग्लाइड रिफ्लेक्शन चेंज है, बाकी का सारा एज इट इज ही है। अब आगे जो है इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी हैं। मैम ये गेम बताइएगा ग्लाइड वाला। ग्लाइड वाले के अंदर ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रांसलेशन किस वे में होती है, इन केस अगर आपके पास ये सपोज ये ओरिजिन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेट होने का मतलब है कि उसी एक्सिस के अंदर रहते हुए फिगर किसी भी साइड पे, सपोज ये यहाँ पर ट्रांसलेट हुई, आप इसको यहाँ पर भी कर सकते थे, आप इसको यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पर कहीं पे भी इसको ट्रांसलेट कर सकते थे। यहाँ पे जो मैंने इसकी ट्रांसलेशन बनाई है, मैंने ये बनाई है कि ये ओरिजिनल फिगर है, ट्रांसलेशन हुई है तो वो ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ गई। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होके ये इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट की है तो वो यहाँ पर इसमें आ जाएगी फर्स्ट वाले कॉर्नर में। अब अगर आप इसको रिफ्लेक्शन लेना चाह रहे हो, जरूरी नहीं है कि इसी वे में वो मूव करे, आप इस लाइन के अकॉर्डिंग भी इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये फिगर तो ये वाली फिगर है, अब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। दैट मीन कि यहाँ पर ग्लाइड रिफ्लेक्शन के अंदर दो चीजें कंबाइन होती हैं, कंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्लेक्शन। अब इसमें रिफ्लेक्शन पहले कर लें या ट्रांसलेशन पहले कर लें इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसको जैसे मर्जी जो है वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अब मैंने यहाँ पर अगर ये ओरिजिनल फिगर है, मैंने पहले इसे ट्रांसलेट किया है फिर मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँ, आप पहले इसे रिफ्लेक्ट कर लेते, यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेते। ये जस्ट जनरल डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए बता रही हूँ कि ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन किस वे में होती है। जब क्वेश्चन में करेंगे तो वहां पे पॉइंट पुट करके पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी रिफ्लेक्शन या ट्रांसलेशन पहले आएगी हम वो लिखेंगे, हम खुद से नहीं बताएंगे कि पहले ट्रांसलेशन हुई है या पहले रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है। ग्लाइड में दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, दोनों ही चीजें आएंगी। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ वी एंड रिफ्लेक्शन अबाउट एल, ट्रांसलेट हुआ है वी के अकॉर्डिंग, जो भी उसके वर्टिसेस थी वो सारे के सारे वर्टिसेस यहाँ से ट्रांसलेट हो गए, वर्टिसेस यहाँ पर आ गए। आगे ये लाइन, उसने इस लाइन को एल कंसीडर किया, इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो रिफ्लेक्शन हुई और यहाँ पर चली गई। अब ग्लाइड को डिनोट किया जाता है जी एल और वी के साथ, यानी कि रिफ्लेक्शन लाइन और वी वर्टिसेस जो भी यहाँ पर मूव होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये तो थी डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल दी है कि इस वे में फिगर जो है वो मूव कर सकती है, बट क्वेश्चंस के अंदर जो भी फिगर होगी वो अपने वर्टिसेस जो हम पॉइंट पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अपनी बेसिस के अकॉर्डिंग मूव करेगी। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि सपोज इस क्वेश्चन के रिलेटेड मेरे पास ये फिगर आ रही है और मैं इसको डायरेक्टली नहीं कह सकती कि ये इस वे में मूव करेगी या ये यहाँ पर मूव करेगी। जो भी इक्वेशन दी जाएगी आपकी फिगर के अकॉर्डिंग, आपकी शेप के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग वो मूव करेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बेसिस यूज करते हैं, उसकी मूवमेशन को चेक करेंगे। अदरवाइज हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि अब आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, अब आप इसको बताएं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये रिफ्लेक्शन है, रोटेशन है या ट्रांसलेशन है या ग्लाइड रिफ्लेक्शन है, हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। हम इसके सबसे पहले बेसिस के अकॉर्डिंग फिगर को ड्रा करेंगे, फिगर को ड्रा करने के बाद हम बता सकते हैं कि ये किस वे की हमारी ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कर रही हूँ, अगर फिर भी किसी को कोई डेफिनेशन वगैरह क्लियर नहीं हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ड्यूरेशन ड्यूरिंग क्वेश्चन भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। टी ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, अभी आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर की फॉर्म में मूव करें क्योंकि हम अभी प्लेन में वर्क कर रहे हैं। टी वन एक्स यानी कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अभी यहाँ पे लिया है, इसको वन का नेम दे दिया है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैंने आपको चैप्टर करवाया, वो सॉरी टॉपिक करवाया था लास्ट पे फ्राइडे में, उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपने जस्ट इसके अंदर बेसिस को सब्सिट्यूट करना है और उसका रिजल्ट बताना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। अब हमारे पास आइसोमेट्रीज के लिए है, तो आइसोमेट्रीज के लिए पहले हमने इसको सिंपल वे में डिफाइन करना है इसकी बेसिस के अंदर,
फिर हमने उसके अंदर खुद से पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करना है और देन हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास बेसिकली बेसिस के अकॉर्डिंग क्या चीज बन रही है। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया है, यानी कि हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं एक ही वेक्टर की फॉर्म में, इसको हमने कॉलम वेक्टर में डिनोट करना है। वेक्टर स्पेस के अंदर भी मैंने आपको बताया था जो हमने उसकी एग्जांपल नंबर 3 की थी कि आपके पास जो वेक्टर्स लिखे जाते हैं अगर सिंपली लिखे गए हैं तो हम उसके ऊपर ट्रांसपोज का वर्ड टी लगाते हैं, अदरवाइज अगर मेंशन नहीं होता तब भी यही है कि वो हमारे पास कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये 2 और 2 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, प्लस 2 एंड प्लस 2, इसको मैंने इस फॉर्म में मेंशन कर दिया। अब x1 और x2 को हमने किस वे में मेंशन करना है कि मैं इस पूरी को दोबारा से इस वे में एक्सप्लेन कर सकूं। x1 और x2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, यानी कि हम यहाँ पे बना रहे हैं ax प्लस बी वाली फॉर्म, ये फॉर्म बना रहे हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन। दोबारा से फिर रिपीट उसने किया हुआ है कि ये चीज बनेगी इस फॉर्म में। तो पहले हमने इसको ऐसे ऐसे क्यों लिखा है कि हमारे पास बन रही है, अगर आप इसको इस वे में लिखें कि मेरे पास बेसिकली ये चीज है, मैं इसको कॉलम वेक्टर में लिख रही हूँ तो मेरे पास कॉलम वेक्टर में ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर को उठा के मैंने कॉलम वेक्टर में लिखा, ये फॉर्म बनेगी। अब मैंने इसे दो कॉलम वेक्टर से कॉम्बिनेशन में डिनोट करना है तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी। अब मैंने चेक करना है कि साथ में इसकी बेसिस क्या दी गई थी कि x1 और x2 मल्टीप्लाई होके इस वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। तो x1 और x2 को मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज यही कंडीशन दोबारा से रिपीट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर मैम, इसमें x1 और x2 में जो 2 ऐड की है वो डायमेंशन की बेस पे ऐड की है, जो डायमेंशन होगी नहीं है क्या, ये चीज हमें गिवन है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है मैम, ठीक है। हम इसी चीज को अपने मैट्रिक्स में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स में बेसिकली ये क्या चीज होगी। ओके ठीक है, आप इसको ऑपोजिट वे में कर लो, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा ऑपोजिट वे में किया, आप ऐसा करें इसको इस वे से ऊपर वाली साइड में मूव कर लें, पहले ये मेंशन करें फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स को मेंशन करें कि हम अपने कॉलम वेक्टर में इसको लिख रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। उसके बाद मैं इसको दो एलिमेंट्स की एडिशन की फॉर्म है तो मैं इनको दो मैट्रिक्स की फॉर्म में सेपरेट लिख सकती हूँ बाय मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, कि दो मैट्रिक्स के एडिशन को कंबाइन लिखा गया तो उनको सेपरेट भी लिखा जा सकता है। अब ये 2-2 जो है ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाला मैट्रिक्स है, इसके साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे पास सेकेंडली हमें पता होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है उसी के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल्स के अगर कोफिशिएंट देखे जाए तो 1-1 है। इस मीन कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास दोबारा से यही मैट्रिक्स आ गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखें, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 और 1 एक कॉलम मैट्रिक्स तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? लाइक मेरा कहने का यहाँ पे मीन है कि मैं कॉलम मैट्रिक्स लिख रही हूँ 1-1 के साथ, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप जरा उसके ऊपर लिखें कॉलम मैट्रिक्स लिखें सिर्फ, ये देखें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरे पास है 1 और ये 1 और साथ में मैं इसकी मैट्रिक्स लिख रही हूँ जो हमारे पास वहाँ पे x1 और x2 दिया हुआ है। मैं अब यहाँ पे x1 और x2 नहीं लिख रही क्योंकि वो मुझे उसकी सबसे पहले चूज करने पड़ेंगे, मैं इसको लिखती हूँ x और y। मुझे बताएं क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नो मैम, इसकी तो नहीं पॉसिबल, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। That means कि हमने यहाँ पर 1-1 इसी वे में नहीं लिया क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं थी। अब फिर इसमें किस टाइप का हम मैट्रिक्स चूज करें हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई? अब क्या मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ, देखिएगा मैं इसको इस वे में लिखती हूँ, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हम इस वक्त वर्क कर रहे हैं वो 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, हमारे पास कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट बनेगा कंबाइन होके जिसमें पहला एक्स का और दूसरा वाई का होगा। और अगर मैं इसको इस वे में चूज करती हूँ इसमें 1-1 वे में तो ये 1-1 वे में बिल्कुल टोटली रॉन्ग है क्योंकि हम ले रहे हैं वेक्टर्स को किस वे में चूज कर रहे हैं एज ए कॉलम वेक्टर,
मेंशन बी किया हुआ है कॉलम वेक्टर, तो इट्स मीन मैं रो वेक्टर नहीं ले सकती यहाँ पे, हमने इसको कॉलम वेक्टर ही लेना है। कॉलम वेक्टर के अकॉर्डिंग तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, बट सेकेंडली हमने ये भी चीज माइंड में रखनी है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा टू डायमेंशन के अंदर है, तो एक एक वेक्टर के अकॉर्डिंग मैं इस वे में इसको मेंशन करूंगी, तो फिर मेरे पास जो है वो टू डायमेंशन की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आगे फर्दर इनको भी जब आप कॉलम वेक्टर में लिखोगे तो ये एक पेयर बनेगा लाइक एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू, और ये एक्स टू और एक्स वन की वैल्यू बनेगी। इसलिए हमने इसको इस वे में सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास इसके डायमेंशन भी आ जाए, जो भी जिस भी डायमेंशन के अकॉर्डिंग आगे एक्सप्लेन है। अब अभी सिंपल मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ये देखें यहाँ पे, ये बेसिकली इसकी बेसिस नहीं है, अगर आप देखें ये आर टू की बेसिस है। इसको एक्सप्लेन करें फिगर पे, तो मैं थोड़ा और माइनस करती हूँ ताकि आपको बेसिस के साथ साथ डायग्राम भी शो दे। ये चीज है, अब इसके पास मेरे पास बेसिस आई है 0 1 और 1 0 और 0 0 अकॉर्डिंग टू दिस, जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर को ड्रा करना है। जो मैंने ये ड्रा की है, मैंने लेट किया यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है और 0 1 और 0 1 वाले 1 0 वाले पॉइंट्स ये आते हैं, ठीक है, और ओरिजिन जो है वो यहाँ पे 0 0 इसका वो एज इट इज ही रहा है। अब आपने ये जो पॉइंट्स आए हैं इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमने बेसिकली इस फिगर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और चेक करना है कि फिगर क्या बन रही है। अब ये किस वे में बनी है, ये बेसिकली हमने डायरेक्ट नहीं यहाँ पे मैंने लिखी हुई, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ से स्किप करके थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं इसको लिख देती हूँ। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी ये पॉइंट आए हैं इनको हमने करना है सब्स्टिट्यूट। मैं इसको करती हूँ सब्स्टिट्यूट, फिर आपको बताती हूँ ये पॉइंट कैसे हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा है, तो उम्मीद थी मुझे समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास इस वक्त कितने पॉइंट बने हैं, पॉइंट लिखवाएं जरा हमको। एक तो हमारे पास बना है 0 0, ठीक है, ये तो ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये रहेगा हमेशा ही। उसके बाद एक पॉइंट है मेरे पास जो उसकी बेसिस का बना है 0 एंड 1। नेक्स्ट में जो एक पॉइंट है वो मेरे पास आया है 1 और 0 के साथ, ठीक है। अब आपने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है कि वो किस वे की ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है आपने उसके अंदर के पॉइंट पुट करने हैं। मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है क्लास, मैं इसको ऊपर डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे, बट मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते वक्त सारा नहीं लिख रही, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगी। पहले मैं पॉइंट पुट कर रही हूँ यहाँ पे 0 0, अकॉर्डिंग टू 0 0 आपके पास क्या बनेगा, मुझे आंसर बताना है आप लोगों ने क्या आता है। पुट करें x1 और x की जगह पे वैल्यू, पॉइंट बनेगा 2 एंड 2, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ 0 और 1 के अकॉर्डिंग, जीरो और वन पुट करेंगे जब x की जगह x1 की जगह पे 0 और x2 की जगह पे 1, तो ये बनेगा आपके पास 2 एंड 3। लास्ट पे क्या आएगा 1 और 0 सब्स्टिट्यूट करके 3 2 3 एंड 2। अब ये पॉइंट बने, ठीक है। अब मेरे पास थे पहले ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिंग इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू बेसिस फॉर्म, हमारे पास ये कंडीशन बनी है। नाउ कन्वर्ट दीज पॉइंट्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, अब इस पॉइंट पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये पॉइंट बने 0 0 जो है वो 2 2 बन गया, 0 1 जो है उससे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो 2 3 पॉइंट आया है, 1 0 पॉइंट पुट किया ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद तो बन गया 3 एंड 2। और अगर आप ये देखें यहाँ पर ये जो फिगर डिनोट की है इसमें ये पॉइंट्स इस वे में मूव किए, पॉजिटिव थे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखे एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखे। आप पॉइंट लिखना चाह रहे हैं तब भी कोई नहीं इशू, आप यहाँ पे लिख के इसको कर लें। मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये पॉइंट जो है वो 2 और यहाँ पे भी 2 था, तो इनको रिलेट करके ये पॉइंट आ गया 2 2, ये 2 3 एंड ये 3 2। दैट मीन कि मेरी फिगर जो है वो टोटली यहाँ से मूव करके कहाँ पे चली गई है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके यहाँ पे आ गई। अब ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ही साइड पे रहते हुए हमने इसको मूव किया है, तो ये हमारी ट्रांसलेशन है
एक फिगर यानी कि कुछ पॉइंट्स वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी भी प्लेन के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो तो वो उसी प्लेन के अंदर फर्दर फिगर जो है वो आगे को मूव करती है, तो वो हमारे पास कहलाती है ट्रांसलेशन। अब दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ टू टू, या आप इसको और टू टू, ये ओरिजिन यहाँ पे जीरो जीरो था जो यहाँ पे मूव कर गया टू टू के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से जीरो वन पॉइंट जो है वो टू थ्री पॉइंट बन गया, और वन टू वन जीरो पॉइंट जो था वो थ्री टू पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें पता चलेगा कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, हम डायरेक्टली इसको नहीं बता सकते। लास्ट क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट वाला है, बाकी एग्जांपल्स भी करवाती हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सेकंड, अब ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक और ली है, आर टू से आर टू प्लेन की वर्क कर रहे हैं हम, दोबारा से वही प्रोसेस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपको दी हुई होगी, उसमें हमने पहले अपना ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है ए एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे बी वाला जो है वो जीरो है, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, और मेरे पास मैं कॉलम में इसको मेंशन करती हूँ कि ये बनेगा माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने थोड़ा अपोजिट कर दिया था, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन मैंने उसको उसी वे में किया। अब साथ में हम ले रहे हैं इसके मैट्रिक्स, पहले था यहाँ पर पॉजिटिव एक्स वन एक्स टू, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने सिंपली लिख दिया था कि मल्टीप्लीकेशन करके यही चीज़ आ जाती है। अब मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं लिया, यहाँ पे ये मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट जो है स्केलर वो माइनस वन और माइनस वन है डायगोनल एलिमेंट। अब अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो रिजल्टेंट पे आपके पास यही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स को चूज करना किस वे में है, हमने इस वे में चूज करना है कि टू डायमेंशन की वैक्टर्स की सम की फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे चूज किया है, और मेरे पास ये वे बनेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक किया था उसके अंदर भी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्टिंग फॉर्म एक्सप्लेन की हुई थी जो मैंने आपको बताई थी, और सिंपल वे भी बताया था। वहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल हैं, सारी करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द एग्जांपल आप लोग उसको कर लें, सारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइसोमेट्रिक वाला टॉपिक जो है वो इंक्लूड था, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करवानी पड़ी क्योंकि उस चीज़ लेकर। अब ये हमारे पास बना है माइनस वन जीरो और जीरो माइनस वन एक्स वन एक्स टू की फॉर्म में। अब जो है पहले फिगर बनेगी, उसमें एक तो पॉइंट है ओरिजिन वाला जीरो जीरो, सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर है माइनस वन और जीरो, और एक पॉइंट जो है वो जीरो और वन है। ये अप्लाई हमने करना है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, बट पहले वाली जो फिगर है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है, फिर हमने देखना है इसकी मूवमेशन किस वे में हो रही है। ये तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है कि ये वे बनेगा इसका मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब पहले जो फिगर डिफाइन करनी है वो मैंने वही ऊपर वाली फिगर ही डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेसिस। आप यहाँ पर जब स्टैंडर्ड बेसिस की वे लेते हैं जीरो वन वन जीरो की फॉर्म में, तो आपके पास क्या वे आता है, वो यही चीज़ बनती है, ये वाली फिगर जो ऊपर थी। अब इसके ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, ये पॉइंट्स अप्लाई करने, अप्लाई करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि आपके पास आफ्टर अप्लाइंग, यानी कि ये बेसिकली यही चीज़ है कि स्टैंडर्ड बेसिस जीरो वन अप्लाई किया है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप जीरो वन लोगे तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, जीरो और माइनस वन, यही बनेगा एक्स वन जीरो एक्स टू माइनस वन आ जाएगा, और ये आपके पास बनेगा जीरो और माइनस वन। जीरो और माइनस वन कहाँ पे आएगा, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की माइनस वन है, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ पॉइंट को ड्रा कर रही हूँ यहाँ पे, जीरो और माइनस वन। अब सेकेंड वाला पॉइंट लेंगे वन और जीरो, वन और जीरो अप्लाई करने से बनेगा माइनस वन और जीरो, और वो पॉइंट बन गया मेरे पास ये जीरो जीरो। पुट करेंगे तो वैल्यूज भी जीरो जीरो ही फॉर्म रहेगी, तो वो यहाँ पर ही रहेगा जीरो जीरो। अब देखें अगर आपके पास, तो ये किस वे में मूव किया फिर टोटली फिगर। अब मैं इसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकती, आप इसको ट्रांसलेशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन में उसी वे में मूव करती है उसी क्वाड्रेंट के अंदर। रिफ्लेक्शन होनी थी कि ये इस लाइन के अकॉर्डिंग फिगर जो है इस लाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास फोर क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करती है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। लेकिन अगर आप देखें फिगर टोटली मूव की है, मूव करके कहाँ पे चली गई है, फर्स्ट से थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। दैट मीन कि फिगर ने क्या किया, एक साइड पे रोटेशन की है और उसके बाद अपनी फिगर को ऑपोजिट भी किया है, यानी कि उसकी रोटेशन हुई है अबाउट 180 एंगल। ये फिगर थी यहाँ पर, और यहाँ पे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के 90-90 एंगल जो है 180 में कन्वर्ट हुआ है, और टोटली फिगर कन्वर्ट हो गई यहाँ पे, और ओरिजिन वही रहा है लेकिन आपकी फिगर जो है वो एक
कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मूव हुई है, और कोऑर्डिनेट जो है वो रीजन यहाँ पे मूव किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे रोटेशन है। तो हमारी जो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस वक्त रोटेशन वाली ट्रांसफॉर्मेशन है, या आइसोमेट्रीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त रोटेशन है। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर यही फिगर, दोबारा से रिपीट करती हूँ, यही वाली डायग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाती फोर एक्सिस में, तो आप इसे क्या कहते हैं, या थर्ड एक्सिस में मूव कर जाती सेम इसी एक्सिस के साथ, फिर ये रिफ्लेक्शन होनी थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो है वो एक लाइन के अकॉर्डिंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, फिगर जो है वो दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। बट इस वक्त जो है वो टोटली हमारी फिगर जो है वो कन्वर्ट हुई है, थर्ड में चली गई है, लाइक के हमारे पास रोटेशन हुई है, रोटेशन जो है वो एक वर्टेक्स के अकॉर्डिंग जो कि 0-0 ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग हुई है, और हमारी फिगर जो है वो रोटेट कर गई है। अब नेक्स्ट पे है नंबर 3, सबकी एक एक एग्जाम्पल दी है, उसके बाद मैंने जाके ग्लाइड की एग्जाम्पल दी है। R3 यहाँ पे T3 R2 to R2 यानी कि थर्ड वाले एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन को नेम दिया R3 का। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है -X1 and X2 है। दोबारा से इसको उसी मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, इसको यहीं पे भी स्टॉप किया है, इसको फिर फर्दर दोबारा से स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका भी सेंटर जो है वो रीजन है। अब देखें जब पॉइंट पुट करेंगे आप 0 और 1, तो ये बनेगा मेरे पास 0 और 1, क्योंकि माइनस जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ है। जब 1 और 0 पुट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी -1 और 0, 0 0 करेंगे तो वैल्यू थी 0 0 ही रहेगा। इट्स मीन कि आपके पास ये पहले वाली ओरिजिनल फिगर थी, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जो भी शेप थी, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से वो कन्वर्ट हो गई है कहाँ पे, मेरे पास सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाले से वो कन्वर्ट हुई सेकेंड में। उसमें एक लाइन जो है वो एज इट इज भी रही है, अगर आप देखें 2 पॉइंट एज इट इज हैं 0 0 और 0 1 वाले पॉइंट्स एज इट इज हैं, बाकी फिगर जो है मूव की है। इट्स मीन कि हमारे पास 0 0 और 0 1 वाली तरफ से फिगर मूव करके रिफ्लेक्ट हुई है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, और हमारे पास ये कहलाएगी रिफ्लेक्शन। और इसमें रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है जो भी पॉइंट्स डिफाइन है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब क्लास अगर आपको पेपर में या कहीं पे भी आपको तो ये बेसिस के साथ मैंने यहाँ पे इसको प्रूव किया है, अगर आपको डिफरेंट पॉइंट दिए जाएंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, पहले बेसिस के अकॉर्डिंग ही होगा और दूसरी कंडीशन में आपने इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। लेकिन अगर आपको पॉइंट दिए गए हैं खुद से, जैसे कि हमने मेंशन करना था कम्बिनेशन की फॉर्म जो थी वेक्टर कम्बिनेशन, या हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली फॉर्म थी, उसमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कम्बिनेशन में लिखना था, लेकिन अगर वहाँ पे कम्बिनेशन नहीं दिया जाता तो हमने किस वे में लिखना था, हमने उसको स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में करना था। यहाँ पर भी ऐसे ही है, पॉइंट्स नहीं दिए गए तो हमने इसको स्टैंडर्ड बेसिस की वे में चूज करना है। इनकेस अगर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं फिर आपने वही पॉइंट्स लेने हैं, लेकिन जहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन वाली कंडीशन ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करके डिफाइन करनी हो, वहाँ पर ज़्यादातर बेसिस के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है, दूसरे पॉइंट्स खुद से नहीं दिए जाते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कंफर्म नहीं होता कि फिगर ड्रा आउट होती है या नहीं होती। लास्ट वाली इसकी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन है T4, R2 से R2 उसको अप्लाई किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन दिए दी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर मेंशन किया दोबारा से मैट्रिक्स फॉर्म में, अब 2-2 दोबारा से मेंशन किया क्योंकि इसके साथ फिर कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म आएगी। ये मेरे पास बनेगी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसलेशन, दोनों कंडीशंस यहाँ पर आएंगी, ये डेट इज सिर्फ यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन बनेगी, किस वे में बनेंगी ये हमने नीचे इसको एक्सप्लेन करना है, ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले वही वे स्टैंडर्ड बेसिस वाला चूज किया हमने यहाँ पर, इसमें ओरिजिन जो है वो हमारे पास किस वे में है, 0 0 में। अब सबसे पहले जो पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करने हैं वो हमने यहाँ पर -1 और 0 और 0 और 1, अभी सिर्फ इसको डील करना है, उसके बाद में 2-2 वाला पॉइंट भी बताती हूँ कि उसने किस वे में मूव करना है। सबसे पहले तो हमने किया -1 और 0 सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे करोगे -1 और 0 सब्स्टिट्यूट तो ये आपके पास बनेगा 3 and 2, ये बनेगा 3 और ये साथ वाली बनेगी 2। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आप ऐसा करें इसको कॉपी और पेंसिल पे एक्सप्लेन करें, मैं यहाँ पे इसको वर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये हमारे पास यहाँ पर ये मेंशन है मैट्रिक्स, इसके अकॉर्डिंग में पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करी,
लेकिन आपने माइंड में ये भी रखना है कि हमारी जो ओरिजिनल फिगर है वो इस वक्त ये है जो स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब मैं इसके पॉइंट्स पुट कर रही हूँ अपनी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी यहाँ पर माइनस वन और जीरो। मैं सारा डिटेल से नहीं लिख रही लेकिन मैं यहाँ पर पॉइंट जरूर लाजमी लिखूंगी ताकि आपको पता चले क्या लिखा है। माइनस वन और जीरो सब्स्टिट्यूट करने से आपके पास जो बेसिस की फॉर्म बन रही है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके, वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म बनेगी माइनस, ये बनेगा थ्री एंड टू, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पुट करूंगी जीरो और वन। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जीरो और वन अप्लाई करने के पे ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट होने के बाद पॉइंट बनते हैं टू एंड थ्री। अगर आप नोट करें ऊपर हमने जो सबसे पहले एग्जांपल दिया अलग से गिवन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में अलग से गिवन होगी कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन होगी सब क्वेश्चंस के जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला करें उसमें भी गिवन होगी, अगर आप आइसोमेट्रिक वाले करें उसमें भी गिवन। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम करें ग्लाइड रिफ्लेक्शन, उसके अंदर जो आपने करना है ट्रांसफॉर्मेशन आपको सबने गिवन होगी, बाकी सारे एज इट इज ही सेम जैसे पहले किए हैं, लेकिन ग्लाइड रिफ्लेक्शन वाला जो है इसके अंदर हमने जब इसको डिनोटिंग फॉर्म करनी है तो ये देखेंगे पॉइंट सेपरेट बुक करूंगी। अब मैं ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर देखते हैं सेपरेट बुक करूंगी। सबसे पहले मैंने थ्री और टू और टू और थ्री वाला किया, अभी इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और मैं इसके अंदर सबसे यूज कर रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन टी के अकॉर्डिंग जीरो एंड जीरो। जीरो और जीरो जब सबसे यूज करूंगी तो मेरे पास ये बनेगा टू एंड टू। अगर आप देखें ये हमने ऊपर जो एक एग्जांपल की है ये वही है बेसिकली, तो सबसे ये फर्स्ट वाली की थी यही चीज है, यही मैंने वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन की थी वो जीरो वन और जीरो वन जीरो के साथ की थी, लेकिन अब ये देखें ये चीज थी उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी यही थी, लेकिन अब जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड बेसिस की नहीं है, उसके अंदर आ रहा है हमारे पास माइनस वन और जीरो और दूसरी आ रही है जीरो और वन, तो उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन की है मैंने यहाँ पे। जब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन रही है माइनस वन जीरो के लिए थ्री टू पॉइंट आ रहा है, जीरो और वन के लिए टू थ्री, और जीरो जीरो के लिए दोबारा से टू टू वाली फॉर्म बन रही है। सबसे पहले तो माइनस वन और जीरो और वन को जब मूव किया है तो मेरे पास थ्री टू और टू थ्री वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन हुई है यहाँ पर। अब ट्रांसलेशन, अब इसका ओरिजिन जब ट्रांसलेट होगा तो ट्रांसलेशन की फॉर्म बनेगी, पहले फिगर जो है वो ये थी, यहाँ से ये मूव किया यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा था माइनस वन, और माइनस वन और जीरो वो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो मेरे पास बेसिकली ये फिगर बन जाएगी रिफ्लेक्शन होके ये बनेगी यहाँ पर। उसके बाद जब ट्रांसलेशन होगी ट्रांसलेट होके ये टोटली ही ट्रांसलेट हो जाती है क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो टू टू बन जाता है और वो टोटली ही ट्रांसलेट हो जाती है। उसको मेंशन करना है जी एल वी के साथ, तो लाइन जो थी वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हुआ है और जो हमारे पास वेक्टर है जिसके अकॉर्डिंग वो मूव हुआ है वो टू टू की फॉर्म है। ये एग्जाम्पल मैंने इसकी फोर ही ली थी। आगे ये आइसोमेट्रिक्स ए ट्रांसफॉर्मेशन ये सारा लिखा हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है डिफरेंट वेज के अंदर। मीटिंग एंड हो रही है, जरा मीटिंग दोबारा क्लास ज्वाइन करें जल्दी से। ये नोट्स मैंने क्लास आप लोगों के साथ शेयर किए थे, इन्हीं नोट्स के अंदर ये मैंने फ्राइडे को ही शेयर कर दिए थे ताकि आप लोग उसको एक दफा पढ़ लें। इन्हीं नोट्स के अंदर आइसोमेट्री और ट्रांसफॉर्मेशन को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है
लेकिन ये इन जनरली ट्रांसफॉर्मेशन से हट के अगर एक शेप वगैरह बनानी हो तो किस वे में आप बना सकते हो, वही वे जो हमने ऊपर किया ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, वही आइसोमेट्रिक के अंदर दोबारा से किया हुआ है, इसमें डिफरेंट कुछ नहीं है। मैंने इसीलिए दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कराई है ताकि आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, ऐसा नहीं हो कि बाद में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के कंफ्यूज हो। इसके अंदर ऊपर बेसिकली ये मेंशन किया हुआ है आइसोमेट्रिक, लेकिन अंदर पॉइंट्स नहीं है वन और टू के साथ। वन में है ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, सेकंड में आइसोमेट्रिक की। अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज इनवेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हम ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने एक सैंपल दी थी वर्ड की फॉर्म में, अगर थोड़ा सा माइंड हो तो यहाँ पर ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंदर डिस्टेंस जो है वो साइड्स के अंदर सेम रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन में और आइसोमेट्रिक्स में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन जनरली आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, तो इनके अंदर जो डिफरेंस है, आइसोमेट्रिक के अंदर शेप किसी भी वे में मूव करे, चाहे वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसलेट हो रही है, उसकी रोटेशन हो रही है या ग्लाइड रिफ्लेक्शन हो रही है, शेप एज इट इज उस ही डिस्टेंस के साथ रहती है, यानी कि उसके वर्टिसेस में उसके साइड्स में सेम डिस्टेंस रहता है। बट इन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है साइड्स में या वर्टिसेस में। उसकी एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट वाला जो पॉइंट है डायलेशन, सिर्फ उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमेट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट हैं, अदरवाइज दोनों की डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस ना होता, लेकिन सिर्फ ग्लाइड रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे पास सॉरी डायलेशन की वजह से ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमेट्रिक के अंदर डिफरेंट आ रहा है। यही चीज यहाँ पे मेंशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज इन वेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द प्री इमेज मस्ट बी द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ टू पॉइंट्स। सेकेंडली एन आइसोमेट्री ऑफ आर टू इज द ट्रांसफॉर्मेशन एफ, और बेसिकली कहता है आइसोमेट्री क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन भी है, इसमें डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, अनचेंज यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, डिस्टेंस जो है पॉइंट्स के अंदर अप्लाई करने के बाद वो एज इट इज ही रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इमेज जो है वो यहाँ पर हमारे पास कहता है चेंज हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, बट आइसोमेट्री के अंदर ना तो इमेज चेंज होता है ना ही डिस्टेंस आता है। आगे ट्रांसलेशन रोटेशन आइसोमेट्रिक्स की फिर फर्दर से दोबारा वही टाइप टी हुई है कि ट्रांसलेशन होगा सबसे पहले तो डिनोटेड बाय टी वी से इसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि वेक्टर्स ट्रांसलेट हो रहे होते हैं इसको इसलिए वी टी वी के साथ डिनोट किया जाता है। इसमें फिगर जो है कहता है वो शिफ्ट हो जाती है एक प्लेन से उसी प्लेन के अंदर रहते हुए आगे वाली साइड पे जो है उसकी डायरेक्शन मूव हो जाती है, डायरेक्शन वे में मूव हो जाती है, या ये जरूरी नहीं है कि फर्दर फर्स्ट नेक्स्ट साइड पे मूव हो बैक साइड पे मूव हो सकती है, ये डिपेंड करता है हमारे पॉइंट पे। रोटेशन है इसके अंदर साइड जो है उसके अकॉर्डिंग रोटेट होते हैं और इसके अंदर एंगल भी आ जाता है, साइड के अकॉर्डिंग रोटेट कर लें या पॉइंट वाइज रोटेशन कर लें दोनों टाइप की रोटेशन इसके अंदर काउंट डाउन होती है। इसमें आगे जो है उसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोटेशन अराउंड द ओरिजन, ओरिजन के अकाउंट जो रोटेशन होगी पहले हम यहाँ पर हैं, इस ओरिजन के अकॉर्डिंग जब रोटेशन हुई है पहले हमारी लाइन जो है वो ये है, रोटेशन हुई है एंगल जब मूव किया हमारे पास रोटेशन यहाँ पे आ जाएगी, वही आर ई वन जो फर्स्ट डायमेंशन के अंदर था वो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन में ही रहते हुए यानी कि यूनिट वेक्टर ई वन में ही रहते हुए कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। ये था ई टू, ई टू कन्वर्ट हो गया हमारे पास यहाँ पे और ई टू की जगह पे आ गया वन, यानी कि ये रोटेशन हुई है, इसमें आगे मैट्रिसेस की फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं। उससे नेक्स्ट पे है ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेट होती है फिगर जो पहले भी ऊपर बताया हुआ है, दोबारा से फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसके अंदर एक प्लेन से दूसरे प्लेन के अंदर जो है वो फिगर ट्रांसलेट होती है और फिगर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो फिगर शिफ्ट हो जाती है, इसको बेसिकली शिफ्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। रोटेशन दोबारा से फिर की हुई है, रोटेशन किस वे में आती है, उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन है, उसमें साइड रिफ्लेक्ट होती है यानी कि एक एक्सिस से हम दूसरे एक्सिस में मूव करते हैं बट साइड वाइज, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट में रहते हो थर्ड में चले जाए, थर्ड में जाने के लिए हमारे पास साइड वाइज रोटेशन होगी तो हम थर्ड में मूव कर सकते हैं। लास्ट पे ग्लाइड रिफ्लेक्शन, इसके अंदर हमारे पास टू चीजों का कॉम्बिनेशन है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्ट होगी साइड के अकॉर्डिंग और साइड के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रांसलेट हो जाएगी, या इसमें पहले ट्रांसलेशन होगी फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन होगी, दोनों जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि आप इसको कंबाइन एक ही वे में लेके यूज करें। ये और जो ग्लाइड इसे ही डायलेशन बोलते हैं ना? डायलेशन नहीं बोलते, मैं वो डायलेशन के भी कल हमने पढ़ी थी तो सिमिलर तकरीबन इसी तरह की नहीं थी प्रीवियस की लेक्चर है, मैंने ये में? दोबारा से फिर रिपीट किया, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, ये देखिए नहीं मैम, डायलेशन है, इसमें आइसोमेट्री है, इसमें इमेज जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, साइड्स
टाइप ये ट्रांसफॉर्मेशन की है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमेट्री में जो सेपरेशन का वर्क है वो सिर्फ डायलेशन की वजह से है, क्योंकि आइसोमेट्री के अंदर फिगर जो है वो सेम एज इट इज ही रहती है, उसका साइज चेंज नहीं होता, बट ट्रांसफॉर्मेशन में साइज चेंज हो सकता है और उसकी एग्जांपल है डायलेशन। अब डायलेशन और ग्लाइड रिफ्लेक्शन के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, उसे दोबारा से फिर वैसे कर लें, नहीं समझ आएगी दोबारा से फिर मेरे से पूछ लिया कोई इशू नहीं। डायलेशन के अंदर फिगर का जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, क्योंकि हम उसे एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कन्वेक्स वे में चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये जो इस वक्त मेरे पास ये डायलेशन की एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो छोटी सी फिगर है ये ऑब्जेक्ट है, जब उसे एक कन्वेक्सिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो कहता आप देखें उसको जितना मर्जी लाइन को बढ़ा के पॉइंट को कहीं पर भी जाके बना सकते हैं। ठीक है, और जो हमने ग्लाइड रिफ्लेक्शन की है, ग्लाइड रिफ्लेक्शन के अंदर फिगर हमारे पास छोटी नहीं होती, क्योंकि आइसोमेट्री के अंदर फिगर का साइज सेम रहता है, फिगर के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो चेंज होती है एक साइड वाइज और ट्रांसलेशन, दोनों का कम्बिनेशन जो है रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन का वो कहलाता है ग्लाइड कंपोजिशन। इसमें ओरिजिनल ये है, पहले ये ट्रांसलेट होगी उसी एक्सिस के अंदर यहाँ पे, फिर उसके बाद कहता है इस लाइन के अकॉर्डिंग जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पे। ठीक है, इसमें साइज चेंज नहीं होता। अब क्लियर है? जी मैम क्लियर है, थैंक यू। ठीक है क्लास, इसको आप एक दफा दोबारा से पढ़ लीजिएगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी पॉइंट वगैरह क्लियर नहीं हो तो आप इसे दोबारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके साथ धनिष्ठ को उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी किसी ने कुछ पूछना है तो अभी पूछ लें बेशक। नो मैम क्लियर है, पढ़ेंगे ना फिर। चलिए ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Yeah.